वेलकम बैक टू माय चैनल, कैसे हो देखिए आप सब? ठीक हो भाई? टाइम हो चुका है भाई, कितने 11:30। ब्लॉग पब्लिश कर दिया है, कंपनी वाले का फोन 10 बजे से आ रहा है, वो गांव का रास्ता ढूंढ रहा है। तेरा भाई कहीं रास्ता नहीं मिल रहा। गाड़ी जाएगी कंपनी में और उसके जो स्पीकर की प्रॉब्लम है वो चेक हो जाएगी, क्योंकि उसमें वो शायद कल आएगी गाड़ी, आज तो मिलेगी नहीं, पक्का नहीं पता, आज भी मिल सकती है। यानी यहाँ पर गाड़ी चल रही सफाई अपनी। और एक खुशखबरी दे दूँ, फाइनली फॉर्च्यूनर का नंबर फॉर्च्यूनर से उतर चुका है। वो ऑनलाइन अभी भी दिखा रहा है बट मैसेज मेरे पास आ चुका है, नंबर उतर चुका है। कल शाम को मैसेज आ गए थे मेरे पास। अब ज्यादा से ज्यादा 1 वीक फिर हवा हवा भाई। लो भाई गाड़ी लेने के लिए वो भाई आ चुका है, तो दोनों गाड़ी साफ होगी। वो नहीं करवाई मैंने, वो जब भी जा रही है मगर कंपनी से बहुत छोटी आई है वो। ऐसे भी भैया। हाँ जी वीरे, कैसा लग रहा है? आ जाए भाई, कैसा लग रहा है? है ना हुड लो भाई जी। डॉग बाहर चला गया। कहाँ डॉग? तेरी गाड़ी तेरी है। ओए अरे गुआ, उल्टा उल्टा गिरे। कमी पेशी बता दी मैंने उनको, स्पीकर में ही है ना, स्पीकर में। और एक इसका लेफ्ट साइड का मिरर ना डिम नहीं हो रहा है। गया बग बम्बू बक के ला भाई, गिरे बक गया। या वेब लगवा लूँ, फट मड फ्लैप लगा लूँ? अरे छोटे वाले आए, छोटे वाले लगवा ले है ना। अरे उधर साइड वाले बिल्डिंग चौड़ी वाली, हाँ ये भी देखता हूँ। पर भैया ग्लोसी में ना मिल रही अभी, छोड़ दे छोड़ दे भाई, छोड़ दे छोड़ दे, छोड़ छोड़ दे बाबू, छोड़ दे छोड़ मत, ना भागे छोड़। ले भाई अपनी गाड़ी जा रही है यहाँ से, अब कंपनी से शायद मे भी आज तो मुश्किल ही आएगी, अब तो टाइम हो चुका है 12 बज लिए, कल आएगी गाड़ी। कुछ इसमें मॉडिफिकेशन और करवाने की सोच रहा हूँ मैं इसमें आज, अगर भाई सही प्राइस मिल जाता है तो। ये साइन होके पेपर मिल गया हमें, आज हम एक्सपी लेके चलेंगे, अब एक्सपी चलेंगे हमारे 2 दिन तक। चिपटे छोड़िया हूँ यार, हमने पेंटर को बोला था घर पर पेंट करने के लिए, वे गाड़ी पर करने लग रही है। देखिए देखिए ये कर दिया, उड़ने वाले पेंटर ना लटकने वाले हैं। वे पेंटर अलग है, कबूतर पेंटर अलग है, ये तो रियल वाले पेंटर है यार। चल रही है अपना चावल, फेवरेट है मेरे सबसे ज्यादा यही, अदरवाइज मैं वाइट चावल नहीं खाता कभी भी। घरवालों से भी आज हो जाएगा आज काम कंप्लीट? कंप्लीट नहीं हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा हो जाएगा थोड़ी देर। तुम 3 दिन तो सोड़ दो, देर नरे सोड़ तेरे भट्टी भट्टी आवाज आवे। तो भाई तुम्हारा भाई हो चुका है रेडी, और अभी मेरे को जाना है टाइल लेने के लिए। क्या लगा भाई टाइल ला दो? मैं कहा चलो ये टाइल भी लाते हैं, और कुछ ना खर्चा का घर वो रखो। तो भाई तुम्हें जो जैकेट पहन रखी है चौक कर दिया इसने मेरे बाइसेप्स, ऊपर से शर्ट भी ऐसी जो टाइट है, बट ठीक है तुम्हारा भाई मैनेज कर लेगा यार। क्या ही मैनुअल गाड़ी है, ऑटोमेटिक की आदत पड़ रखी है तुम्हारे भाई को। पहले तेरा भाई एक ही हाथ एक गियर भी चेंज कर दे पता चलना देगा। अरे मेरी माँ क्यों मेरे जब बैठता नहीं फ्यूल फ्यूल दिखाते रहो हर गाड़ी। डिफेंडर में बैठ के देखे कभी एक्चुअली तू फुल भरी रहा है पेट्रोल तो, तुम डीजल बोके खाली पड़ी है। मैं भाई कहाँ तक भरूँ? तुम्हारे साथ भी होता है ऐसा कि भाई आप एक गाड़ी में फ्यूल भरवा रहे हो एंड देन वो गाड़ी फिर चली जाती है, और जिस गाड़ी में आपको बैठना है आप उस गाड़ी में फ्यूल डलवाना ही पड़ेगा। तो सेम सिस्टम मेरे साथ है, उसमें लो फ्यूल रहता है और फिर लास्ट में मुझे फ्यूल डलवाना पड़ता है। तो भाई बादशाहपुर पहुँच चुके राजस्थानी भी आ लिए, मगर भाई जहाँ चाहिए जैसा चाहिए लगवा लो, कल को फिर हमें पता ओ ये तो बेकार है। मगर भाई हम अपने हिसाब से चूज़ कर लो जो तुम्हें पसंद हो, हमें इसी से कोई मतलब नहीं है। देखिए ब्लैक और गोल्डन ज़्यादा अच्छा लग रहा है। गोल्डन कलर आया ना, अरे ये कोई खुश, ये तो प्लेट ही तो है। नहीं नहीं मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे पता था ना कि बादशाहपुर में लोगों को पसंद नहीं आएगी, ठीक है हम तो ड्राइवर हैं। देखो पसंद आगे थी लेकिन बट एक ना मैं बताता हूँ, हम ना कभी लड़के हमेशा कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, ठीक है कि यार छोड़ना है 19-20 का तो फर्क है, छोड़ो कौन इतना। आप कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो? अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं 18 साल की उम्र में आपकी शादी हो जाती है। अरे यार वो कॉम्प्रोमाइज अलग है, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। ये मत बोलो हम लड़के हैं। नहीं और हम हमेशा कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। मैंने सिंपल सी एक चीज कही, मैं कहा यार देख 19-20 का ये फर्क है तो ये ले ले, कि नहीं जो सोचा है जो दिमाग में है और फिर जो फोटोज ले रहे हो। अगर मैं अकेला आता ना टाइल लेने के लिए मैं ले जाता, मैं इतना नहीं सोचता, कौन सोचेगा लगनी तो है यार उसमें कौन सा। तो आप लेके गए ऊपर के लिए ब्लू कलर की, हाँ ब्लू टाइल वॉशरूम में कौन लगाता है यार? अब जो 000 रेट लगाता है भाई, हमें नहीं दिखाना किसी को ओह माय गॉड तुम जज करते हो, तुम लोग करते हो, हम जज नहीं करते किसी को। वॉशरूम देखे हॉल के लिए अच्छी टाइल्स ले गए ब्लू कलर की, और नीचे फ्लोर पे क्या करवा दिया आपने? नीचे तो भाई देखो व्हाइट टाइल ही लगेगी, नीचे लीली टाइल लगती है, रिपीट रिपीट ना करते हैं। व्हाइट आपने व्हाइट करा, ग्रे है वो ऐसी।
इतनी बुरी तरह से लगा रही है, किसने लगवाई थी वो? वो लगाने वाले गलती थी, हमारी नहीं थी। अगर मेरा बस चले ना तो मैं अब तो पहले ले जाता। आपका बस चले ना पुराने बाथरूम में नहा लो यार, हमें नहीं। छोड़ो कोई बात ना, क्या ही बोलो, तो जब कर दिया। अभी फिलहाल हम जा रहे सिकंदरपुर, क्योंकि यहाँ पे दो ही ऑप्शन थे, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। मगर सिकंदरपुर चलते हैं, महंगे तो मिलेंगे बट क्या करें, लेने जाए ना। अच्छा एक पट्टी होती है जो टैल के बीच में आती है, वो गोल्डन और ब्लैक, बस वो गोल्डन अच्छी लग रही। एक बात बताओ, टाइल है उस पे गोल्डन अच्छी लगेगी पट्टी, और जो ब्लैक और व्हाइट लगे टाइल उस पे ब्लैक पट्टी अच्छी लगेगी। हाँ। ये तो रूल है, आप बोल रहे हो तो, गोल्डन और व्हाइट पे तू ब्लैक पट्टी लगा, क्या हो गया? तो नहीं, मैं जैसे मेरा फेस देखो, अब मैं न्यू साइड पहन रहेगा, चश्मे ब्लैक पहन रहेगा, हम क्या होगा फिर? पता है लड़कियों का कैसे होता है, कोई दूसरी लड़की आती पता है यार तुमने ना ये जो ब्लैक लाइन है ना ये यार ये गलत लगाई है यार, अगर यहीं पे ना गोल्डन होते हैं क्योंकि मैच कर जाता ना, हम कभी मैच का चीज देखते नहीं। हमारी जींस हो, जींस काली है तो काली शर्ट पहन ले, टी शर्ट पहन ले, मतलब ही नहीं है भाई। सही में मेरा सर दर्द कर दिया कुसुम दीदी, आप ही होते ना तो सही रहता। अभी तक एक शॉप पे गए boss like communist no I can never ever get back all the things I missed but on that money think you got the gist got your tulips in a twist hang out boss like communist no I can never ever get back all the things I missed on that money think you got the gist। इतना देर घूमने के बाद टाइल तो फाइनल हो गई है और घर का एड्रेस भी दे दिया, और रजिया फंस गई गुंडों में, तो वो वाला सीन है, अज्जू फंस गया गुंडों में, आज तो बैठेगा अज्जू या बस में आगे तो नहीं बैठेगा। एक बात बता, हाँ? तूने बचपन में धूम फिल्म देखी थी? नहीं। फिर तू हवा में धूम एक तरह कैसे गायब हो जाती है एकदम से? एक्सीडेंट हो गया बहुत कड़ा, अभी पता है वो इस पेड़ में मारी भाई बच्ची है ना, कुछ लगी इतना तो। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई अननोन रास्ते पे गाड़ी हमेशा आराम से चलानी चाहिए, ये चीज देखो हमेशा सीख मिलती है। अब भाई ने अननोन रास्ता सोचा, देखा कि रास्ता बढ़िया है, खींच दिया आगे जाके, मुड़ गया राइट, भाई पे नहीं मुड़ी राइट गाड़ी तो गाड़ी लेट गई। टेम्पो था वैसे भी, पर टेम्पो ज़्यादा जल्दी लेटता है, टेम्पो वो भी वो छोटा हाथी था, पलट गया भाई। मतलब वही है यार, अननोन रास्ते पे कभी भी तेज गाड़ी नहीं भगानी चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखा करो आप भी, क्योंकि पता नहीं है क्या रास्ते में खड्डा है या फिर कहाँ से जानवर निकल जाए या फिर कट हो, इट कुछ भी हो सकता है। गाड़ी इतनी चलाओ जो आप संभाल लो भाई। पता क्या देखना पड़ रहा है, मेरे घर पे जी देख रहा हूँ मम्मी के साथ साथ, और हालत देख रहे हो बाहर बहुत ठंड है भाई। आज कुछ वीडियोस में मैंने बोला था कहाँ ठंड है भाई ठंड पर, आज तो भाई जब कपड़े फाड़ रखे ठंड ने, मन नहीं करा बाहर निकलने का, सामने की बरसात में मतलब जैकेट भी है शर्ट भी, सोच ना मोटी वाली बहुत मोटी शर्ट है, शर्ट एक जैकेट के बराबर है, पर फिर भी ठंड लग रही है। फिलहाल टाइम हो चुका है 9:26, अभी चलती है हम मड़े पर घूम जाते यार बाहर, घर पड़े पड़े मन नहीं लग रहा था। चेस भाई चेस कॉफी है, वैसे मैं तो लेके जा रहा हूँ पैक करके, हाँ। मैंने पी लिया ऑलरेडी, लेट हो गया थोड़ा सा लेट हो गया, पर कोई नहीं भाई बहुत अच्छा लगा, ऐसे अच्छे लग रही है ड्रेसिंग सेंस, मुझे सच में अच्छी लग रही है। कुछ बोलता मैं बट ठीक है, अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है। तो भाई फिलहाल टाइम हो चुका कितने, ऑलमोस्ट 11:30, 11:30 हो गए, चलो भाई कॉफी पी रहे विकास भाई। आप तो ऐसा लग रहा है विकास भाई कहीं बिहार में आ रहे हो, आज दिल्ली में था, तो दिल्ली में बिहार में था क्या? शादी में नहीं, एक डिलीवरी के लिए गया था गाड़ी का। अच्छा आज, अच्छा पता है कि बहुत से लोग आए मेरे को आज ढूंढ रहे थे, सब्सक्राइबर भी थे, एंड उन्होंने का दिमाग में था कि डिफेंडर लेके आऊंगा, मैं एक्सयूवी में बैठा कोई देख ही नहीं रहा। लोगों को भूल गए एक्सयूवी को। चलो मिलते हैं ना। ओके ब्रो, चलो ओके भाई बाय। आज सबने मेरा बदला ले लिया, जैसे मैं सबसे बोलता ना आ लिया भाई 10 मिनट में 5 मिनट में, विकास भाई ने आज मेरे को कम से कम भी आधे घंटे वेट कराया। कह रहा तेरे में सारे बदले एक बार में ले लिया आज तो। तो भाई ठंड बहुत ज़्यादा हो रखी है सच बताऊँ, और टेम्परेचर गुड़गांव का फिलहाल अभी 11 है जो गाड़ी दिखा रही है, वैसे है 8 के आसपास और सुबह जाएगा 4। लोगों के दिमाग में से ना एक्सयूवी उठ गई है, लोग सोचते नहीं है कि एक्सयूवी भी हैगी। पता है क्या हुआ कि मैं वहाँ पे बैठा था, बहुत से सारे सब्सक्राइबर जैसे मिलने आते रहते तो वेट भी कर रहे थे, तो उन्होंने देखा यार आज तो गाड़ी नहीं आई, देन मैं एक्सयूवी में बैठा आराम से सबको देख रहा था, तो जैसे ब्लूटूथ आई में हम जाते तो वहाँ पता रहे कि यार भाई मिलने आए थे आप सब चला लो। जब मैं भीतर बढ़ा ना तब लोगों को भाई आप किस चीज़ से, गाड़ी तो है नहीं, भाई मेरी एक्सयूवी खड़ी है, कह रहा हूँ भाई मैं ध्यान से निकल गई मेरी एक्सयूवी, तो आधे लोगों को पता ही नहीं है एक्सयूवी के बारे में, बट नंबर तो यार सेम ही है ना 0008।